गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जेनेटिक कोड के बारे में आज हमने पढ़ना है। जेनेटिक कोड क्या होता है उससे पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगी कि प्रोटीन सिंथेसिस का जो भी तरीका है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, उसको क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, और एमआरएनए से जब प्रोटीन सिंथेसाइज होगा वो प्रोसेस कौन सी है, ट्रांसलेशन है। यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस प्रेजेंट होती है एमआरएनए पे, जो वो कहाँ से लाता है, डीएनए से, वही ट्रांसलेट हो जाती है किस लैंग्वेज में, अमीनो एसिड सीक्वेंस की लैंग्वेज में, ठीक है ना। अमीनो एसिड्स किसके लिए ज़रूरी होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। ये जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन की, जो कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट कराता है एमआरएनए किस लैंग्वेज में, अमीनो एसिड्स की लैंग्वेज में, उसको उसके लिए क्या चाहिए होता है, कोड चाहिए होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोलते हैं। उसके थ्रू क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है न्यूक्लिक एसिड की, डीएनए की, वो कहाँ चली जाती है, वो प्रोटीन्स के पास जाती है किस सीक्वेंस में, अमीनो एसिड्स की फॉर्म में, ठीक है ना। तो जेनेटिक कोड आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये वो डिक्शनरी होती है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होती है, या सीक्वेंस किसकी होती है, अमीनो एसिड्स की होती है। जेनेटिक कोड में क्या होते हैं, रूल्स होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन जो कोडेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है डीएनए या आरएनए सीक्वेंस में, वो ट्रांसलेट हो जाती है, वो चेंज कर देते हैं किस में, प्रोटीन्स में। और ये जो टर्म है ये जेनेटिक कोड की, ये किसने दी थी, ये जॉर्ज गैमो ने दी थी, ठीक है। आप याद रखेंगे जेनेटिक कोड की टर्म जॉर्ज गैमो ने दी थी। जेनेटिक कोड में इंफॉर्मेशन जो डीएनए में प्रेजेंट होती है आरएनए की सीक्वेंसेस, वो ट्रांसलेट हो जाती है किस में, इनटू प्रोटीन्स, ठीक है। जेनेटिक कोड में कुछ लेटर्स हैं, जैसे ई है एडेनिन के लिए, जी है ग्वानिन के लिए, नाइट्रोजन स्पीसीज हैं, टी है थायमिन के लिए, और सी किस के लिए है, साइटोसिन के लिए, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो किस में प्रेजेंट होती हैं, डीएनए में, ठीक है। इन्हीं को कोड्स में चेंज किया जाता है। अच्छा, वही कोडॉन्स की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन ये कोडॉन जिसमें ए जी सी टी ये सब न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, इन इसको हम कोडॉन बोलते हैं। और इसी कलेक्शन, इन डिफरेंट कोडॉन्स की कलेक्शन को हम सिंपली क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोलते हैं। हम अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, 20, इसलिए कोडॉन भी कितने होंगे, 20 होंगे। हर एक कोडॉन के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो 3 न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक अमीनो एसिड बनाते हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो 4 कॉम्बिनेशन, ये आपको आगे पता चलेगा। 2 न्यूक्लियोटाइड कितने बनाएंगे, 16 उसका डबल, और 3 कितने बनाएंगे, 64, ठीक है। किसके लिए, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं किन की, 20 अमीनो एसिड्स की, ठीक है। जेनेटिक कोड में जैसे इसमें 3 बेसिस होती हैं, जैसे एटीजी है, ये एक कोडॉन बनता है, इसमें 3 बेसिस होती हैं। ऐसे सी टी ए जो है वो दूसरा कोडॉन है, एक अमीनो एसिड के लिए ट्रिपलेट कोडॉन, 3 कोड होते हैं, ठीक है ना, एक अमीनो एसिड। ऐसे जी जी सी जो है ये 3rd अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं इन कलेक्शन इन अमीनो इन कोडॉन्स की, इसको हम जेनेटिक, सिंपली जेनेटिक कोड बोलते हैं। कोडॉन क्या होता है, जेनेटिक कोड जो है हम ये बताएंगे, डिक्शनरी है जिसमें जेनेटिक वर्ड्स होते हैं, जिसको कोडॉन्स की डिक्शनरी को हम जेनेटिक कोड बोलते हैं। हर एक कोडॉन में कितने बेसेस होते हैं, 3, मीन्स ट्रिपलेट होते हैं, इसलिए कितने कोडॉन हैं, 64। 64 क्या है, कोडॉन्स हैं, आप ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 61 जो होते हैं वो कोडॉन होते हैं, जो कोड करते हैं अमीनो एसिड्स के लिए, ठीक है। और इसमें 3 जो होते हैं जो कोड नहीं करते हैं किसी अमीनो एसिड के लिए, उसको हम नॉनसेंस कोड बोलते हैं। कोडॉन्स एक तो सेंस कोडॉन होते हैं, दूसरे सिग्नल कोडॉन्स होते हैं जिनमें सिग्नल स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टॉप कहाँ करना है। ऐसे सेंस कोडॉन क्या होते हैं, वो वाले कोडॉन जो कोड करते हैं अमीनो एसिड के लिए, उसको हम सेंस कोडॉन बोलेंगे। सिग्नल कोडॉन क्या होते हैं, जो कोड करते हैं सिग्नल कहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करना है, उसको हम सिग्नल कोडॉन बोलते हैं। और सिग्नल कोडॉन में कौन कौन सा आता है, ये जो कोड ट्रिपलेट्स है ना, ये अमीनो एसिड्स के नाम है, ए यू जी, यू ए यू ए जी, ओ यू जी ए, ये सिग्नल कोडॉन है, ठीक है।
दो टाइप सिग्नल कोडॉन के हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होती है, और एक इनिशिएटिंग कोडॉन होता है जहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है। ठीक है, टर्मिनेटिंग कोडॉन्स क्या होते हैं आप याद रखेंगे, UAA, UAG और UGA जो है ये तीनों क्या हैं, ये टर्मिनेटिंग कोडॉन है या हम इसको नॉन सेंस कोडॉन बोलते हैं। ठीक है, UAA जो है इसको हम ऑफली बोलते हैं, ये एम्बर है, UAG जो है ये ऑकर है, और UGA जो है ये ओपल कोडॉन है। इसका एक सिंपल सा नाम दिया है, आपको बोलना होगा कि एम्बर कौन सा कोडॉन है, UAA, ऑकर कौन सा कोडॉन है, UAG, और ओपल कौन सा कोडान है, UGA। ये तीनों क्या हैं, ये टर्मिनेटिंग कोडान है, टर्मिनेटिंग कोडान है एम्बर, ऑकर एंड ओपल कोडान। ये किसके लिए हैं, UAA, UAG और UGA के लिए। ऐसे ही इनिशिएटिंग कोडान क्या होता है, इसमें इनिशिएटिंग कोडान है AUG। ठीक है, ये किसके लिए, पहला अमीनो एसिड जो है प्रोटीन का उसके लिए कोड करता है। वो क्या है, वो मीथियो नीन है, मिथियोनीन जो है उसके लिए AUG जो है वो नाम दिया गया है। ठीक है ना, ये यूकेरियोट्स में पहला जो फर्स्ट अमीनो एसिड है वो मिथियोनीन है, AUG, और यही जो है प्रोकेरियोट्स के लिए भी है वो फॉर्माइल मिथियोनीन है। ठीक, इनिशिएटिंग कोड जहाँ से स्टार्ट होती है अमीनो एसिड, पहला अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा है, AUG है। ठीक है, टर्मिनेटिंग कोडॉन में एम्बर, ओकर एंड ओपल आता है, एम्बर मीन्स UAA, ओकर मीन्स UAG और ओपल मीन्स UGA। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये याद रखना है एंटीकोडॉन क्या होता है। एंटीकोडॉन मीन्स वो बेस सीक्वेंस ट्रांसफर आरएनए में जो किसके साथ पेयर करती है, mRNA के। ये मैंने आपको पहले भी बोला था जब हमने tRNA का स्ट्रक्चर पढ़ा था क्लोवर लीफ वाला, तो उसमें ये था कि जो वो वाला कोडॉन जो उस पेयर करता है उस कोडॉन जो mRNA पे, फॉर एग्जांपल mRNA पे क्या प्रेजेंट है, जब भी ट्रांसलेशन होती है तो mRNA का जो कोडॉन है उसके साथ बेसिस मिलती हैं। ठीक है ना, और वो क्या बनाते हैं, वो एंटी कोडॉन बनाती हैं। ठीक है ना, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, tRNA के एंटीकोडॉन लूप पर, एंटीकोडॉन लूप पे प्रेजेंट होता है AG और C, और वहाँ पे mRNA में भी कौन सी सीक्वेंस है, AU के साथ बाइंड करता है, U इनकेस ऑफ RNA, OT इनकेस ऑफ DNA। ठीक है, ऐसे ये क्या बनाते हैं, ये एंटीकोडॉन बनाते हैं। जेनेटिक कोड जो है ये ट्रिपलेट है। ठीक है, इसमें 64 कोडॉन्स बनते हैं। आप देखिए, पहले यू और यू हो गया फिनाइलालानिन, ऐसे ये 20 अमीनो एसिड्स हैं, ग्लिसरीन है, सिस्टीन है। ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशंस कितनी बनती हैं, 64। आप देखिए यहाँ पे यू, अगर आपको बनाना है एक चार्ट बनाना है, यहाँ पे आप लिखेंगे UCAG और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, UCA और जी लिखेंगे, और इसकी साइड थर्ड लेटर लिखेंगे UC, सेम। फिर आप किस किस का पेयर करेंगे, ये और ये, UUU, फिर UU और C सेकंड पेयर, फिर ऐसे UU और A। ठीक है, फिर ऐसे UU और G बन गया एक। ठीक है, फिर ऐसे ही इसका आप इसके साथ कराएंगे और इसके साथ कराएंगे। ठीक है, ये कितने बनते हैं, ये टेबल जो है ये 64 कोडॉन्स का बनता है। अब इसकी आपने प्रॉपर्टीज़ देखनी है, प्रॉपर्टी क्या होती है जेनेटिक कोड की, ये ट्रिपलेट होता है, मतलब हर एक ट्रिपलेट जो होता है वो कोडॉन होता है एक अमीनो एसिड के लिए, इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फिर ऐसे कोड जो होता है वो डिजनरेट होता है, इसमें क्या होता है, कभी कभी एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन यूज़ होते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल 61 फंक्शनल कोड कोडॉन है ना, AUG और UG जो है ये दोनों ऐसे कोड है जो एक अमीनो एसिड के लिए, एक अमीनो एसिड के लिए दोनों काम करते हैं। उसका मतलब है हम ये बता सकते हैं कि बाकी जो 18 अमीनो एसिड है उनको फिर कौन कोड करेगा, क्योंकि ये दो निकालो 61 में से, वहाँ पे कितने रहते हैं, 59 कोडॉन्स रहते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं कोड जो है वो डीजनरेट है। उसका मतलब क्या है, कभी कभी एक से ज़्यादा कोडॉन जो है वो सिंगल अमीनो एसिड के लिए क्या करता है,
कोड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए यू जी और यू जी जी जो है ये एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक और इसका एक्सेलेंट फीचर है कि ये कोड जो है वो नॉन ओवरलैपिंग है। उसका मतलब क्या है, सेम लेटर जो है वो ही यूज़ नहीं किया जाता है किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन कोडॉन, ये ओवरलैपिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। ये अलग अलग कोड होते हैं। ऐसे ही कोड जो होते हैं हम जब भी लिखते हैं ये कॉम इसके बीच में कॉमा नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूक्लियोटाइड इसमें जो होता है उसमें कोई भी सेपरेशन करने के लिए ट्रिपलेट को बीच में कॉमा नहीं लगाया जाता है, ये कंटिन्यूस कोड होता है, ठीक है ना। इसमें कोई भी लेटर जो है उसको वेस्ट नहीं किया जाता है। और ये कोड, उसके बाद एक और फीचर है कि कोड अनएम्बिगुअस है। उसका मतलब एम्बिग्युइटी यहाँ नहीं होती है। ये हर ए का जो ट्रिपलेट कोड है वो अपने ही पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, जहाँ पे भी वो प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल ए यू जी है, चाहे वो कहीं पे भी प्रेजेंट होगा, उसका काम क्या है, वो मिथुनिन के लिए कोड करेगा, ठीक है ना। इसलिए ये क्या होता है, अनएम्बिगुअस होता है। दूसरा एक और फीचर है, द कोड इज़ यूनिवर्सल। ये कोड आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाओगे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्रोकैरियोट हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, सब के लिए कोड एक ही रहता है। फिर उसके बाद एक और फीचर है, इसमें स्टार्ट एंड स्टॉप कोड ऑन होता है। कुछ स्पेसिफिक कोड जैसे ए यू जी है, ये प्रोसेस को इनिशिएट करता है। स्टार्ट कोड ऑन है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और कुछ कोड ऑन्स हैं, जैसे तीन कोडान है 64 में से, जिसको हम एंटीसेंस बोलते हैं, वो अमाइनो एसिड वो वाले हैं जो क्या करते हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, और वो क्या करते हैं, वो टर्मिनेट करा देते हैं किसको, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, अमाइनो एसिड की चेन को वो टर्मिनेट कराते हैं, उसको हम नॉन सेंस कोडान बोलते हैं, ठीक है। या याद रखेंगे जेनेटिक कोड के जो फीचर है या प्रॉपर्टीज हैं, ये ट्रिपलेट होता है, डीजनरेट होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है, कॉमालेस होता है, अनएम्बिगुअस होता है, ये यूनिवर्सल होता है, और इसमें स्टॉप और स्टार्ट कोडॉन होते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक और चीज़ आता है, नॉन सेंस कोडॉन क्या होते हैं हम बताएंगे। ये तीन कोडॉन होते हैं 64 कोड में से, जो कोड नहीं करता है किसी अमीनो एसिड के लिए, इसको हम टर्मिनेशन कोडॉन या स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। नॉन सेंस कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन या स्टॉप कोडॉन, ये एक ही है। स्टॉप कोडॉन तीन होते हैं, UAA, UAG और UGA, ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम का काम रुक जाता है, और वो क्या करते हैं, वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो होते हैं, वो रुक जाती है इन कोडॉन्स की वजह से, ठीक है। और ये कितनी कॉम्बिनेशंस हैं, देखिए आप यहाँ पे जहाँ पे UAA, UAG और UG आएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। क्या यहाँ पे स्टॉप क्यों लिखा है, यहाँ पे अमीनो एसिड नहीं बनता है, बाकी कॉम्बिनेशंस ठीक है। जैसे ये तीन कोडॉन आते हैं UAA, UAG और UG, ये स्टॉप है, ये स्टॉप कोडॉन मीन्स टर्मिनेट कर देते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन को, ठीक है। आपको ये याद रहा कि ये जो हमने ये बनाया है ना, ये बॉक्स, इसमें हम पहले UCAG लेते हैं, यहाँ से भी UCAG लेते हैं, इसके थर्ड लेटर में भी हम UCAG लेते हैं, फिर हम कॉम्बाइन कर, आप बताएंगे यू यू कैसे, यू ट्रिपल यू आया फिनाइलएलानिन के लिए, ये यू और ये यू बन गया ये, फिर ये यू और ये सी बन गया यू यू सी, फिर ये यू और यू ए, ये ए, फिर यू यू जी, ठीक है, ये दोनों में ऐसे बन गए। फिर ऐसे ही ये और ये स्टार्ट कराते हैं, ये चार बनाएगा, फिर उसके बाद ये और फिर से यही इसके साथ, देखिए यू ए यू है ना, यू ए यू, फिर यू ए सी, यू ए ए, यू ए ए स्टॉप कराता है, फिर यू ए जी ये भी स्टॉप कराता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये और इसकी कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर सेकंड में हम क्या करेंगे, इसकी इसके साथ, और फिर इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। फिर ये ऐसे कॉम्बिनेशंस जो हैं ये कितनी बनती हैं, ये 64 बनती हैं। नॉन सेंस कोडॉन क्या होता है, जो कोड नहीं करता। इनिशिएटर कोडॉन क्या होगा, AUG, जो इनिशिएशन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करता है। कभी कभी कुछ केसेस में GUG जो होता है, ये भी इनिशिएटर कोडॉन काम करता है। आप ये याद रखेंगे, AUG से मिथुनिन बनता है, ये वही अमीनो एसिड है जो स्टार्टिंग
करता है प्रोटीन सिंथेसिस की, ठीक है। आप सिर्फ यही याद रखेंगे जेनेटिक कोड क्या होता है, ठीक है, जेनेटिक कोड में क्या क्या आता है, इसको किसने दिया था, जॉर्ज गैमो ने दिया था, इसमें 264 कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है ना। फिर ये तीन तीन ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है ना। कोडॉन की जो डिक्शनरी है उसको जेनेटिक कोड बोलते हैं, कोडॉन में ट्रिपलेट्स होते हैं। वैसे 61 कोडॉन जो होते हैं वो 20 अमीनो एसिड्स के लिए बनाते हैं, कोड करते हैं, और तीन जो होते हैं वो नॉन सेंस कोडॉन होते हैं जो अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। फिर सेंस कोडॉन सिग्नल कोडॉन्स क्या होते हैं जो कोड करते हैं अमीनो एसिड के लिए, हो गए सेंस, नॉन सेंस हो गए जो नहीं करेंगे। सिग्नल में स्टार्ट कोडॉन AUG, UAA, UGA और UAG है। ऐसे ही टर्मिनेटिंग कोडॉन होते हैं जो प्रोसेस को रोक देते हैं, ठीक है। इनिशिएटिंग कोडॉन जो स्टार्ट करता है वो AUG है। टर्मिनेटिंग कोडॉन तीन है, एम्बर, ऑकर एंड ओपल, UAA, UAG और UGA, ठीक है। फिर ऐसे एंटी कोडॉन क्या होता है ये आप सब याद रखेंगे, ठीक है। जेनेटिक कोड की 64 कोडॉन्स ये हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी जो आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।